हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीआर लाइफस्टाइल। सो ये है रीवा, जो कि कर रही है मुझे बहुत दुखी। मैं चाह रही हूँ कहीं मैं नींद की गोली खा के सो जाऊँ ताकि मुझे दुखी ना कर पाए। ये देखो सारे में पाउडर, नए सोफे की ऐसी की तैसी कर रखी है। छोड़ दे गंदा बच्चा, गुस्सा दिखाएगी अब। अब मैंने दिखाया अपना गुस्सा, फिर मैंने अपना गुस्सा दिखाया तो कौन बचाएगा तुझे? कौन जल्दी बता, पहले पाई करो मम्मा को, पाई करो। मैं चिल्ला क्यों रही हूँ? तो तेरी वजह से मैं चिल्ला रही हूँ, देख कितनी तेज तेज बोलना पड़ रहा है, क्योंकि तुझे धीरे सुनाई नहीं देता ना तो कुछ काम करता है। मेरा मेरा छोटा जो बेबी है, बच तो अभी सारा काम वाम से फ्री हो गई हूँ मैं। सर्वर धो लिया है, मेरे को जाना है बाहर। सो पहले अभी चाय वाय पी लूँ बना के, और ये सुबह का ही है, नहाए वहाए तो बाद में थी, उसके बाद मैं मंदिर चली जाऊँगी, अभी आप लोग को दिखाऊँगी। सो आ जाओ आप लोग भी चाय पी लो। और डे की शुरुआत हो गई है तो सोचा मैंने कहा क्यों ना हम अपनी चाय से शुरुआत करें, क्योंकि मेरी चाय देख के बहुत सी मेरी जो देखने वाले हैं उनको लालच आ जाता है चाय पीने का। सुना भी है कि उनका भी मन करता है चाय देखते ही चाय पीने का, तो भाई मेरे पास ही आ जाओ, चाय साथ बैठ के पियेंगे और अच्छा लगेगा। सो ये दूध है, तुलसी जी डली हुई है इसमें, जो कि हम भोग लगाते हैं कृष्ण जी को, तो मैंने यहाँ निकाल लिया है। अब मैं इसको दूध में डाल दूँगी, जिससे कि सबके मुँह में प्रसाद चला जाता है ऑटोमेटिक। सो बस इसी तरीके से हम अपना शुरुआत करेंगे। और अभी मैंने यहाँ पर हो गई हूँ सर्वर धो के रेडी, अभी जाऊँगी मंदिर, हमें जाना है। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम तीनों जा रहे हैं, बाइक से जाएंगे आज मंदिर भद्रा। मुझे बाइक की राइड बहुत ज़्यादा पसंद है। सो चलिए चलते हैं और निकल रही हूँ मैं घर से, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आगे का जो भी होता है। तो चलिए मिलते हैं आगे। ये कहाँ जा रहा है मेरा बेटा? पूछा कर दो एक बार। बोली बस बाय बाय। तो बहुत दिनों से मंदिर जाने का मन हो रहा था लेकिन निकलना ही नहीं हो रहा था। फिर सैटरडे को मैंने बोला मंदिर जाने के लिए, कितने अच्छे फूल लग रहे हैं। हम आए हैं शास्त्री पार्क पे, श्यामगिरी बाबा नाम से मंदिर है एक, सामने से देखो तो छोटा लेकिन अंदर बहुत बड़ा है। सो फर्स्ट टाइम मैं अंदर भी जाने वाली हूँ, आप लोगों को दिखाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा मैंने नहीं कैप्चर किया था, बाहर से कर लिया था। बहुत सारे बाबा बैठे हुए थे, संत बैठे हुए थे, वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो थे, तो इस वजह से मुझे ठीक नहीं लगा जाता ऐसी चीज़ों को करना। तो ये हम फाइनली आ गए हैं शनि मंदिर। यहाँ पे मैं बहुत सालों से जा रही हूँ, कम से कम 10-11 साल आराम से हो गए होंगे यहाँ पर आते हुए हमें, और इसी तरीके से है ये मंदिर। और अब तो काफ़ी लोग आने लगे हैं, वरना स्टार्टिंग में यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देते थे, जब भी आते थे एक या दो ही लोग होते थे, अब तो काफ़ी लोग आने लगे हैं। तो आप लोग को भी जाना हो तो जाना, काफ़ी मान्यता भी है यहाँ की। अंदर और भी चीज़ें हैं, सो नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे चलो चलो की चीज़ों का देखेंगे। सो ये रीवा मैडम है, वापस आ रही थी, उल्टा उल्टा जा रही थी, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा अभी रीवा देखो कितना सुंदर टीका लगाया है। पहली बार ही जा रहे हैं, कई चीज़ें हैं यहाँ पे, मैरिज होम, पंडाल, भागवत वगैरह सब होता है। सो यहाँ पर गए थे, सारा देखा, अच्छा लगा और दर्शन किए, उसके बाद थोड़ा झाड़ा लगवाया, वहाँ पंडित जी बैठे होते हैं तो अच्छा रहता है ऐसी चीज़ों का भी कराना। सो बस इसी तरीके से हमने अपना दिन का मंदिर जाना किया, और थोड़ा सा फिर हम लोग घूमने निकल गए, काफ़ी दिनों बाद बाहर गए थे इस तरीके से, तो घूमने निकल गए और फिर आ गए थे, क्योंकि बारिश का मौसम था, अच्छा भी लग रहा था बाइक पे घूमना। बट रीवा को ज़्यादा देर लेके नहीं घूमते हम बाइक पे, क्योंकि एक बार ले गए थे तो हवा लग गई, इसको कोल्ड हो गया था, बट मौसम ठंडा था तो हम टाइम से आ गए थे फिर घर पर। बस इसी तरीके से हमने मंदिर के दर्शन किए, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये, कभी भी जाओ तो संडे वाले दिन जाना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और जो
होती है यहाँ की चीज़ें, वो संडे वाले दिन ज़्यादा मान्यता है यहाँ की, तो कल के संडे वाले दिन ही जाना चाहिए। सो बहुत बड़े नंदी थे यहाँ पर, ये बैठे हुए हैं सामने ये मंदिर। घर शाम हो गई, शाम को बनाया मैंने माल पे। किस दिन संडे को जाएंगे तब मैं वहाँ का रिकॉर्ड करूँगी, तब दिखाऊंगी। तो माल पे बना रही थी तो पानी को मैंने गर्म करके उसमें चीनी डाल दी थी तो वो मेल्ट हो गई है अच्छे से पानी में। और ये है फूड कलर है, ये लाल लाल था वो फूड कलर था थोड़ा सा कलर के लिए और सॉफ्ट थी। और इलायची का थोड़ा सा पाउडर उसी में था। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी, काफ़ी देर तक फेंटा था, एक हाथ से पकड़ने में ठीक से बन नहीं पा रहा था तो मैंने फ़ोन रख के अच्छे से फेंटा, उसके बाद बनाया। और आज थोड़े कम अच्छे बने थे बाकी दिनों से, टेस्ट में तो अच्छे थे बट कढ़ाई में प्रॉपर नहीं बन पा रहे थे पता नहीं क्यों। और मैंने जल्दी जल्दी में बनाए थे शायद इसलिए, क्योंकि बैटर थोड़ी बहुत देर रखना भी पड़ता है इसलिए। तो उसके बाद यहाँ पर मैं इसको फेंटे ही जा रही हूँ, काफ़ी देर से फेंटना था इसको, क्योंकि जितना मेरी आदत है मैं इसको ऐसे कड़ी भी बनाती हूँ तो बेसन को इसी तरीके से फेंट लेती हूँ कभी कभी, तो और अच्छे से फ्लफी बन जाती है वो। सो यहाँ पर फाइनली हो गया, इसको मैं बर्तन में निकाल के बनाने लगूंगी। और आज मम्मी का मन था तो उन्होंने बोला मेरे को बनाने के लिए, तो मैंने उनके लिए बना दिया फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनमें। सो बस आ जाओ आप लोग भी खा लो, और बहुत टेस्टी बन गए थे, टेस्ट अच्छा बस थोड़े से ना वो यहाँ पर चिपक रहे थे पलटते टाइम। बस चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या होने वाला है। सो अभी फिलहाल के लिए और पुए बनाए थे सुबह के टाइम पे, दोपहर में हमने बाहर से मंगाया है खाना। सो लंच आज बाहर से हुआ है। सो अभी मैं यहाँ पर दाल मखनी और रुमाली रोटी मंगाई थी तो मम्मी पापा के लिए पहले दे रही हूँ उनको, उसके बाद मैं भी खा लूँगी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है क्योंकि मम्मी पापा बाहर गए थे तो आए से सोचा कि इस तरीके से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। सो मुझे ना बाहर के खाने में सबसे ज़्यादा ये अनियन पसंद होता है जो कि इस सिरके वाली होती है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। किस किस का पसंद है ज़रूर बताना। सो यहाँ पे मैं खाना खाते खाते मेरे माइंड में कई चीज़ें चल रही थी क्योंकि मेरा एक पार्सल आने वाला है जो मैं भी आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी कि मैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँ, कैसे रखूँ, कैसे क्या करना है। सो वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में बहुत चल रही थी तो खाना खाते खाते ही मैं उस चीज़ को सोचे जा रही थी यहाँ पर। सो फाइनली मेरा जो प्रोडक्ट था वो आ गया और स्टिल बहुत ही अच्छा आया है, काफ़ी अच्छा, मतलब रिव्यू इसका बहुत अच्छा है मेरी तरफ से, जो मैंने देखा था उसी तरीके का है। और किसी को मंगाना हो तो मंगा सकते हो, मीशो पे बहुत इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, मीशो पे आजकल बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। सो प्राइस जो है वो मीशो पे कम है और साइट्स पे बहुत ज़्यादा है इसका, देखना। सो ये यहाँ पर मैं इसकी अनपैकिंग कर रही हूँ जिसमें कि अच्छे से बबल रैप होके आया था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकली इसमें, जो कि इतने पैसे में अफोर्डेबल थी। सो बहुत अच्छी वाली चीज़ निकली और इतनी साफ़ सुथरी थी। छह इसमें ये छह पार्ट हैं इसके जिसको जोड़ के हमें पूरा बनाना है, जो कि मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और इतना टाइट फर्स्ट टाइम मैंने इतना कील पेच वाला काम किया था जो कि मेरे हाथ दुख गए, मेरे से रात तक का वेट नहीं हो रहा था इनके आने तक का कि ये आएंगे तो करेंगे इसको, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा था मुझसे। तो मैंने खुद ही इसको जैसे तैसे 15-20 मिनट लगा के इसको मैंने अच्छे से किया और मुझसे हो गया फाइनली। सो आप लोग बताना कि मेरी मेहनत रंग लाई कि नहीं लाई। और यहाँ पे एक एक पेज इतना टाइट लग रहा था मेरी, आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ इसको लगाने के पीछे, क्योंकि इसमें एक तो मेरे को जो पेज कस होता है वो नहीं था प्रॉपर, जो स्टार शेप वाले होते हैं वो, तो बस इसी प्लस शेप में जो आते हैं वो नहीं था। और फाइनली ये हो गया है, सबसे ऊपर वाला मैंने नहीं लगाया और यहाँ मेरा हाथ इतना दुख रहा था ना, लाल पड़ गया था। और यहाँ शक्ल भी ऐसी ही हो गई है बिल्कुल, जैसे दिहाड़ी मजदूरी करके बैठी हुई हूँ मैं क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा रेडी होने का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको जोड़ लिया और ये फाइनल लुक है इसका, जो कि मेरे पास जो सामान था फटाफट मैंने लगा के इसको चेक किया। ये है मेरा कप जो कि मेरा सबसे बेस्ट चीज़ है इस जगह की, डोंट वरी बी हैप्पी, जो कि मैं हमेशा रहती हूँ। सो बस इसी तरीके से ये मेरा कंप्लीट हुआ, मुझे ये मंगाना था क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा किचन सेल्फ पे मेरा घिरा हुआ रहता था तो उसकी वजह से मैंने ये मंगा। सो फाइनली मैंने इसको बना लिया है, अपने अकॉर्डिंग लगा लिया, सबसे ऊपर वाला नहीं लगाया था क्योंकि उसको मैंने और कुछ मैंने उसका सोचा हुआ है, उसके साथ मुझे कुछ और करना है, वो देखेंगे बताऊंगी जब मैं करूंगी। सो यही था आज का ब्लॉग, आप लोगों को पसंद आया हुआ हो थोड़ा भी तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।